अगर आप कोई खबर सुने कि एक 55-56 साल का आदमी किसी 13-14 साल की लड़की को बहला फुसला कर ले जाता है और उसका 3 महीनों तक रेप करता है, तो आपके अंदर कितनी गुस्सा होगी, या आप ये खबर सुनकर क्या करेंगे, और खासतौर से उस वक्त जब वो अपराधी आपके सामने मौजूद हो तब आप क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, आपका गुस्सा, आपका पारा बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और आप उस व्यक्ति को कम से कम 5-6 हाथ तो जरूर मारेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BTF अलवेली दुनिया। आज की ये कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की एक सच्ची कहानी है, जहाँ पर एक प्राइमरी टीचर एक लड़की को, 14-13 साल की लड़की को बहला फुसला कर ले जाता है, उसके साथ 3 महीना तक उसका रेप करता है, और जब वो पकड़ा जाता है और पकड़ कर पुलिस उसे थाने में लेकर आती है, तो और कोई तो नहीं मारता उसको, क्योंकि और किसी को ये जानकारी नहीं होती है। बहुत ही गोपनीय तरीके से ये ऑपरेशन किया जाता है उसको पकड़ने का। लेकिन जो पुलिस स्टेशन में मौजूद होती हैं महिला कांस्टेबल, महिला पुलिसकर्मी, वो 8-10 रहती हैं, वो मिलकर उसको जीप में से खींचकर बहुत ही बुरी तरह से मारती हैं, और इतना मारती हैं कि उनको मारता देख जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं थाने के अंदर, वो निकल कर आते हैं और वो उसे बचाते हैं। और उनका कहना होता है कि अगर ये यहाँ पर मर गया तो हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे, कम से कम इसकी उम्र का लिहाज करो, छोड़ दो इसे, इसने जो किया है उसकी सजा इसे मिलेगी। दरअसल वर्तमान समय से अगर आप 3 महीना पीछे जाएं, तो इसी थाने में जब जनसुनवाई हुआ करती है, हैदरगढ़ का इलाका है बाराबंकी जिले के, तो हैदरगढ़ इलाके में जो थाने में सुनवाई होती है तो लगातार कई सारे फरियादी वहाँ पर मौजूद होते हैं और सब एक एक करके अपनी फरियाद इंस्पेक्टर साहब को सुनाते हैं, अपना दुखड़ा वहाँ पर सुनाते हैं, और इंस्पेक्टर साहब भी बिल्कुल थानेदार वाले अंदाज में उनकी वो सब कुछ सुनते हैं समस्या। और तभी इंस्पेक्टर साहब देखते हैं एक आदमी, मतलब अपने पत्नी के साथ खड़ा है, उसकी उम्र ऐसे थी 55-56 साल के आसपास उसकी भी उम्र थी। देखते हैं बहुत देर से वो खड़ा है और ना तो कुछ कह रहा है ना तो कुछ बोल रहा है, बस चुपचाप लोगों की बातें सुन रहा है। अगर उसे कोई समस्या नहीं है तो यहाँ पर क्यों है, उनके मन में सवाल आता है, और फरियादियों को वो रोक देते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम बताओ, बहुत देर से खड़े हो। वो व्यक्ति इंस्पेक्टर साहब से कहता है कि साहब जो सब लोग चले जाएंगे तब मैं अपनी समस्या बताऊंगा और आपको अकेले में बताऊंगा, यहाँ पर नहीं बता सकता, बात कुछ ऐसी है। थानेदार साहब बहुत तेज़ी से डांटते हैं उसको, कहते हैं कि अगर बताना है तो बताओ और नहीं बताना है तो वहाँ जाकर बैठो, अभी आराम से तुमसे बात करेंगे। सब लोग चले जाते हैं, मामला ख़त्म हो जाता है, इंस्पेक्टर साहब पहुँचते हैं उसके पास, उसको बुलाते हैं, अब कहते हैं अब बताओ, फिर भी वो नहीं बताता। वो कहता है साहब यहाँ बहुत सारे लोग हैं आपके पुलिस वाले, मैं अकेले में बताऊँगा। इंस्पेक्टर साहब बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं बताना है तो बताओ, नहीं बताना है तो मत बताओ, जैसे कि एक पुलिस वाला किसी भी आम फरियादी से बात करता है, ठीक थानेदार साहब उससे बात करते हैं अंदर से एकदम कड़क। उसके बाद वो कहता है व्यक्ति कि सर मेरी आप बात सुन लीजिए एक बार, और अगर आपको लगेगा कि हाँ मेरी बात सुनने लायक है तो आप काम करिएगा, नहीं तो मत करिएगा, नहीं तो मेरी समस्या को समस्या ही रहने दीजिएगा। तो पुलिस वाले उसकी बात मान जाते हैं और सभी जो थाने के कर्मचारी होते हैं उनको अलग करते हैं, कहते हैं चल भाई बता तू अपनी कहानी। तो बताते हैं कि साहब मेरी एक छोटी सी बच्ची थी 13-14 साल की, और एक दिन वो अचानक गायब हो गई और उसे उसका ही टीचर लेकर उससे फरार हो गया। तो पहले तो पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं, तो ऐसे केस तो थाने में लगभग रोज़ाना आते हैं चाहे जो थाना हो, तो पुलिस वालों का पाला ऐसे लोगों से बहुत पड़ता है। तो इंस्पेक्टर साहब उसे बहुत तेज़ी से डांटते हैं, कहते भाग यहाँ से, जाके उसके बॉयफ्रेंड को खोज जिसका उससे अफेयर रहा होगा, उसके साथ भाग गई होगी। और फिर वो रोता है, कहता नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, दरअसल जो स्कूल के हेडमास्टर साहब थे वो उसको लेकर बहला फुसला कर भाग गए थे। तो पुलिस वाला कहता है कि चलो ठीक है, इसकी बात सुननी चाहिए, सुनने में क्या बुराई है, सुन लेते हैं। तो बताता है कि आज से कुछ दिन पहले जब मेरी लड़की 3री क्लास में पढ़ती थी, तो अचानक वो जब अगले सेक्शन में नहीं जा पाई, फेल कर दी गई, तो मैंने पूछा उससे कि तू पढ़ने लिखने में इतनी ज़्यादा होशियार है तो फेल कैसे हो गई। तो उसने कहा कि पता नहीं, हेडमास्टर साहब से बात करना पड़ेगा। तो उसके पिता जाते हैं लड़की के हेडमास्टर साहब से बात करने के लिए। हेडमास्टर साहब कहते हैं कि आपकी लड़की तो पढ़ने लिखने में बहुत ठीक थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, इसे एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़ेगी, और जब स्कूल की छुट्टी हो जाएगी सभी बच्चों की
तो फिर मैं उसे बैठा कर एक्स्ट्रा क्लास दिया करूँगा। लड़की के पिता भी यही चाहते थे कि बच्ची पढ़ लिख ले, कल को शादी ब्याह होगा। तो लोग आजकल यही पूछते हैं कि भाई कितनी पढ़ी लिखी है, कैसे क्या है, तो थोड़ा सा जागरूक थे वो लोग, तो सोचे क्यों ना बेटी को पढ़ाया जाए और बेटी के लिए इतना संघर्ष तो करना ही पड़ता है। दरअसल ये आज की बात नहीं है, ये 1997 की बात है, और उस वक्त में भी अगर ऐसा उसके माँ बाप सोच रहे थे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जो जागरूकता देखने को मिली है वो लास्ट 10 सालों में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिली है। टीचर जो हेडमास्टर साहब होते हैं, उनको मैं हेडमास्टर क्यों कह रहा हूँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, लेकिन क्या करें, हमारी भी एक मर्यादा होती है, तो उसको वो क्लास देना शुरू कर देते हैं। खासतौर से जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो एक कमरे में उस लड़की को बिठा लेते हैं और उसको वहीं पर तालीम देते हैं, उनको जो समझ में आता है। अब गांव भर में ये कानाफूसी होने शुरू हो जाती है कि भाई वो हेडमास्टर फलनवा की लड़की के साथ क्या कर रहा है। अब ऐसे ऐसे में एक व्यक्ति पहुंचता है उस लड़की के पिता के पास और पूछता है कि आप जो है अपनी बच्ची को क्यों नहीं देखते हो, क्यों नहीं ध्यान देते हो, उसके बारे में तो पूरे गाँव में चर्चा हो रही है। वो आदमी कहता है मैंने ही बोला है हेडमास्टर से उसे एक्स्ट्रा क्लास करने के लिए। बोले एक्स्ट्रा क्लास तो ठीक है, लेकिन दरवाज़ा बंद करके एक्स्ट्रा क्लास कौन सा होता है, पूरे गाँव में कानाफूसी हो रही है। तो वो व्यक्ति जाते हैं दूसरे दिन, उस दिन तो नहीं लेकिन दूसरे दिन जाते हैं वो, और ख़ास तौर से उस वक्त का इंतज़ार करते हैं जब स्कूल की छुट्टी होती है और टीचर दरवाज़ा बंद करके पढ़ा रहा होता है। जाते हैं, दरवाज़ा पीटते हैं। जब दरवाज़ा वो पीट रहे होते हैं तो उसके बाद 3-4 मिनट बाद वो दरवाज़ा खुलता है, तो बहुत गुस्से में रहता है वो टीचर हेडमास्टर। कहता है एक तो मैं तुम्हारी लड़की को पढ़ा रहा हूँ, उसको एक्स्ट्रा क्लास दे रहा हूँ, और तुम इस तरह से बदतमीजी कर रहे हो। तो ये मंजर देख के उसका दिमाग थनक जाता है। वो कहता है, इतना ही कहता है कि गुरुजी अब हो गया, बहुत पढ़ा लिया अब आप रहने दीजिए। इसके बाद वो बाप अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजता है, कहता है तुम घर पे रहो, स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी है एक्स्ट्रा क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब फिर भी वो जो हेडमास्टर साहब थे वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेते थे उस लड़की से बातचीत करने का, और अचानक एक दिन वो लड़की गायब हो जाती है। और दरअसल उस लड़की के गायब होने के पीछे का जो रीज़न था, वो हेडमास्टर साहब उससे कहते हैं कि तुम तो बहुत सुंदर हो और तुमको मैं मुंबई ले चलूँगा, तुमको मैं फिल्म में हीरोइन बना दूँगा, देखो टीवी पर कैसे कैसे लोग हीरोइन बन जाते हैं और बहुत पैसा होता है, पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब बहुत सारा एक छोटी सी बच्ची का दिमाग जो है वो ब्रेन वॉश कर देते हैं, बच्ची भी उनके साथ निकल जाती है। वहाँ से निकलने के बाद वो लोग पहले लखनऊ जाते हैं, लखनऊ एक होटल कमरे पे लेता है हेडमास्टर और कहता है कि कोई पूछेगा तो बोलना कि मैं इनकी बेटी हूँ। अब होटल में जब रुकते हैं तो वहाँ पर वो बदल जाता है पूरा उसका रुख, और उसके साथ वो लड़की के साथ रेप करता है, उसके मांग में सिंदूर भर देता है, और मतलब इतनी जघन्य, क्या कहा जाए, 55-56 साल का एक बूढ़ा आदमी, एक छोटी बच्ची 13-14 साल की, वो सब कुछ बर्दाश्त करती है कि चलो ठीक है फंस गई हूँ तो क्या करूँ। तो वो पूछती है कि सिंदूर लगा के बाहर जाऊं, तो समझा देता है कि अगर तुम यहाँ मतलब घर के अंदर हो तो तुम मेरी पत्नी हो, और घर के बाहर जाओगी तो कोई पूछेगा तो बोल देना कि तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, और ऐसे ऐसे हम इवन शादी कर लेंगे। लखनऊ से उसके बाद वो फिर एक जगह निकलता है और एक आदमी को लेकर आता है और कहता है कि ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस से हैं और ये हमारी शादी को रजिस्टर्ड करेंगे, तो तुम इनके साथ बैठो, मैं इनके लिए कुछ खाने पीने के लिए सामान बाजार से लेकर आता हूँ या नीचे से लेकर आता हूँ। वो चला जाता है वहाँ पे, फिर वो व्यक्ति उस लड़की के साथ रेप करता है और चला जाता है। फिर जब वो वापस आता है तो वो बताती है कि जो व्यक्ति आया था वो मेरे साथ ऐसे ऐसे गंदा काम किया है जैसा कि तुम करते हो, और ठीक उसने वैसा ही किया है। तो वो कहता है कि ठीक है, ये सब करने के लिए ये सब करना पड़ता है, नहीं करोगी तो फिर हमारी शादी नहीं हो पाएगी, ये वो दुनिया भर का बात उसको बताता है। फिर लखनऊ से निकलता है कानपुर, कानपुर में भी उससे एक वकील से मिलवाता है, वकील की वेशभूषा में एक व्यक्ति उसके साथ रेप करता है, उसके साथ भी यही कहानी थी कि वकील साहब हैं और ऐसे ऐसे हैं, ये भी सब कुछ मदद करेंगे हमारी। तभी अचानक उसे रास्ते में एक पुलिस वाला दिखता है, पुलिस वाले के पास बच्ची भाग जाती है और कहती है कि ये मेरा बाप नहीं है, मेरा मुझे किडनैप करके ले जा रहा है, 3-4 लोगों के साथ मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहा है ये। उसके बाद वो टीचर उस पुलिस वाले से मिलता है, कहता है कि साहब मुझे माफ़ करो, ये मेरी बेटी है, थोड़ी सी पागल है, अगर इसने कुछ आपको कहा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पुलिस वाले को थोड़ा शक होता है तो पूछता है कि आप कौन है, तो बोलता है कि मैं इसका बाप हूँ। बोला क्या करते हैं, बोला कि मैं हेडमास्टर हूँ, अपना कार्ड वार्ड दिखाता है। तो पुलिस वालों को भी लगता है कि हाँ भाई ये उम्र का इतना अंतर है और टीचर दिखा रहा है सब कुछ तो सही होगा, तो छोड़ देता है। और इधर इसकी तलाश
तलाश अभियान जो है इसका। और इधर बाराबंकी ज़िले की हैदरगढ़ की पुलिस इसको लगातार शिद्दत से खोज रही थी, और तभी जो आईओ नियुक्त किए गए थे इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उनसे ये टकरा जाता है। अब वो जब इसको देखते हैं तो देख के उन्हें थोड़ा शक होता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति और उसके साथ ये बच्ची, तो जैसे ही पुलिस को देखता है वो वहाँ से भाग जाता है और भाग कर कहीं पेड़ के पीछे छिप जाता है। पुलिस बच्ची के पास जाती है और पूछती है कि ये कौन था, तो वो उसने बताया पूरी कहानी अपनी। फिर उसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसे थाने में लेकर आती है, और जब पुलिस वाली जो होती हैं महिलाएं, उनको मालूम चलता है कि यही है वो दरिंदा, तो उसकी वहां पर जमकर कुटाई हो रही होती है। दरअसल उस लड़की के पिता ने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट किया था कि इस मामले की जो है लिखा पढ़ी ना की जाए, तहरीर ना लिखा जाए, नहीं तो बड़ी बदनामी होगी। तो तहरीर बिना लिखे तो इन्वेस्टिगेशन होती नहीं, तो पुलिस वाले बहुत ही गुपचुप तरीके से कर रहे थे काम। हालांकि तहरीर लिखा गया था लेकिन इस मामले में किसी को कुछ बताया नहीं गया था, लेकिन फिर भी पुलिस वालों को ये बात पता थी। और उसके जमकर कुटाई की जाती है और मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद लड़की के पिता आगे बात नहीं बढ़ाना चाहते, तो एक केस कमज़ोर हो जाता है। लेकिन फिर भी जो लखनऊ का होटल था, कानपुर का होटल था, इन सब जगहों से पुलिस सबूत इकट्ठा करती है, लड़की का बयान लेती है, और उस दरिंदे हेडमास्टर को 7 साल की सज़ा होती है। 7 साल की सज़ा काटने के बाद वो निकलता है। तब लड़की इधर बताती है कि सिर्फ मैं ही उसका शिकार नहीं बनी, बल्कि स्कूल में उसी के उम्र की कई सारी ऐसी लड़कियाँ थीं जो देखने में सुंदर थीं, उनके साथ वो इस तरह से छेड़खानी किया करता था। तो फिलहाल उसे 7 साल की जेल होती है और वो जेल में सज़ा काट रहा होता है। फिलहाल अभी तो वक्त बदल चुका है, तो अब जमानत पर या सज़ा काट के वो बाहर आ चुका होगा। लेकिन ऐसे दरिंदों को क्या कहा जाए, जो ऐसे दरिंदे मतलब 13-14 साल की बच्ची को नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी उम्र नहीं देख रहे हैं और इस तरह से काम कर रहे हैं। फिलहाल इस घटना को सुनाने का, इस कहानी को सुनाने का मकसद यही था कि हमारे समाज में क्या क्या हो रहा है, ख़ासतौर से हम अपने घर में अपने घर के बच्चों को ध्यान दें तो ऐसे दरिंदे जो हैं उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। आप देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।